गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिंदी इंग्लिश बोलचाल कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप में निपुणता प्राप्त करने के क्या क्या उपाय है, विद्वानों ने भाषा विशेषज्ञों ने कौन कौन सी सलाह दी है जिनका पालन करते हुए हम बातचीत की शैली में बातचीत के या वार्तालाप के समय अपने आप को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, बातचीत में निपुणता प्राप्त करें। डिवेज टू बी ए गुड कन्वर्सेशनिस्ट, भाषा विशेषज्ञों की राय जिसे बातचीत में आपके व्यक्तित्व का दूसरों के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, यानी विशेषज्ञों ने कौन कौन सी सलाह दिया है जिसका पालन करते हुए आप अपने व्यक्तित्व का प्रभाव बातचीत में दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं, जिसमें पहला है बी ए गुड लिसनर, अच्छे श्रोता बनिए, केवल अपना ही मत आलाप कीजिए, अपने ही बात में दूसरों की बात सुनने बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए कि उनको लगे कि आप उनकी भी बात को सुन रहे हैं, उनकी भी सलाह को मान रहे हैं। केवल आप अपनी बात करेंगे सामने वाले लोग समझेंगे कि यह बातों को थोप रहे हैं, अपने बात को अपने आप को सही सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अच्छा श्रोता भी बनिए, बी ए गुड लिसनर। दूसरा बी फ्रेंडली बट नॉट ओवर फेमिलियर, करा बी फ्रेंडली मित्रवत बनिए बट नॉट ओवर फेमिलियर, मित्रतापूर्ण व्यवहार कीजिए परंतु बहुत अधिक खुलकर नहीं, करा बी फ्रेंडली मित्रतापूर्वक व्यवहार कीजिए बट नॉट ओवर फेमिलियर, लेकिन बहुत अधिक खुल करके वार्तालाप मत कीजिए, बहुत खुलकर मित्रवत व्यवहार मत कीजिए। तीसरा है कीप इन चेक योर वॉइस एंड योर फेशियल, करा कीप इन चेक योर वॉइस एंड योर फेशियल एक्सप्रेशंस, मतलब अपनी आवाज और मुख मुद्रा को काबू में रखिए, यानी आप अपनी आवाज को कंट्रोल में रखिए, न बहुत अधिक तेज न बहुत अधिक स्लो। और जो चेहरे का हाव भाव है वाक्य के अनुसार प्रसंग के अनुसार उसी तरह का एक्सप्रेशन चेहरे पर आना चाहिए, तो एक कीप इन चेक नियंत्रण में रखिए, क्या योर वॉइस अपनी आवाज को नियंत्रण में रखिए एंड योर फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे का जो हाव भाव है बॉडी लैंग्वेज है उस पर नियंत्रण रखिए। नंबर चार अवॉइड एनी इरेगुलरिटीज इन योर बिहेवियर, अवॉइड बचिए एनी इरेगुलरिटीज कमियां इन योर बिहेवियर, अपने व्यवहार में जो भी कमियां हो उसे दूर करने का प्रयास कीजिए, अवॉइड एनी इरेगुलरिटीज इन योर बिहेवियर, आपके व्यवहार में जो भी कमियां हो उन्हें दूर कीजिए। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक, पांचवा है ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेल एंड इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेल, सदा अच्छा बोलने और एंड इम्प्रूव योर स्पीकिंग, सदा अच्छा बोलने अपने बोलने के ढंग में सुधार करने का यत्न कीजिए, इम्प्रूव। Always try to speak well, सदैव अच्छा बोलने का प्रयास कीजिए, Always try to speak well and improve your speaking skill, और अपने बोलने के शैली में बोलने के ढंग में सुधार करने का प्रयास कीजिए, यत्न कीजिए। कह रहा है Always try to speak well, सदैव अच्छा बोलने का प्रयास कीजिए, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक वेल एंड इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, स्किल कुशलता और अपने बातचीत के ढंग को उसकी कुशलता को और अधिक सुधारने का प्रयास भी कीजिए। ये तो रहा विशेषज्ञों के द्वारा दी गई राय जिसका आप पालन करके
अपने आप को कुशल बना सकते हैं। अब आइए मेहमान या अतिथि का परिचय घर के सदस्यों से कैसे कराएं। अक्सर हर व्यक्ति के घर पर छोटे या बड़े मेहमान आते ही रहते हैं। जो भी मेहमान आते हैं, मान लीजिए आपके साथ आया है, आपके घर के सदस्यों से उनका परिचय बड़े शिष्टता पूर्वक कराएं। या एक मेहमान नवाजी होती है कि आप बाहर से आए हुए व्यक्तियों का, जो आपसे परिचित है लेकिन घर के लोगों से परिचित नहीं है, उनका परिचय घर के लोगों से कैसे कराएं, क्या उसका तरीका है, उस संबंध में यह जानकारी प्राप्त कीजिए। इसलिए कि मेहमान का परिचय जब आप घर में कराएंगे और उसके साथ किस शिष्टता से बातचीत करनी है, इसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ना है। तो इसलिए घर आए किसी मेहमान या अतिथि का घर के सदस्यों, छोटे बड़े सदस्यों के साथ आप कैसे परिचय कराएं, उसका तरीका आगे दिया गया है। नंबर एक, किसी पुरुष का परिचय किसी विवाहित महिला से कराना हो तो कहिए, करा किसी पुरुष का परिचय किसी विवाहित महिला से कराना हो, चाहे घर पर कराना हो या बाहर कराना, कहीं भी यह चल जाएगा। आपके घर की विवाहित महिला हो सकती है, बाहर कोई विवाहित महिला हो सकती है, तो कहिए मिसेज दीपक, दिस इज अनिल सिंह, मिसेज दीपक यानी श्रीमती दीपक एक विवाहित महिला है, उनसे आप अनिल सिंह का परिचय करा रहे हैं, तो आप कहिए मिसेज दीपक, दिस इज अनिल सिंह, श्रीमती दीपक ये अनिल सिंह है। नंबर दो, यदि परिचय को थोड़ा कम औपचारिक बनाना चाहे, ऊपर वाला नंबर एक है वह कुछ ज्यादा ही औपचारिक है, जैसे आपने कहा मिसेज दीपक दिस इज अनिल सिंह, यह अधिक औपचारिक है। लेकिन इसको कम औपचारिक बनाना चाहते हैं तो दिस इज हटा दीजिए, सीधे कहिए मिसेज दीपक अनिल सिंह, दिस इज को वहां से हटाइए, मिसेज दीपक अनिल सिंह, अथवा कहिए मान लीजिए आपकी मां से परिचय कराना, मदर दिस इज मेनका विमल, मां से आप किसी का परिचय कराना चाहते हैं कि कोई महिला, तो दिस मदर दिस इज मेनका विमल, अथवा संक्षेप में कहिए मदर मेनका विमल, क्योंकि यहां देख रहे हैं मिसेज नहीं लगा है, यानी वह कुमारी लड़की है, तो मदर अपनी माँ से आप परिचय करा रहे हैं तो कहेंगे मदर दिस इज मेनका विमल, अथवा कम औपचारिक बनाना हो तो मदर मेनका विमल, इशारा करते हुए मदर मेनका विमल। 18 वर्ष से कम उम्र की किसी लड़की अथवा लड़के का परिचय यदि बड़ी उम्र के व्यक्तियों से कराना हो, कर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी लड़की अथवा लड़के का परिचय यदि बड़ी उम्र के व्यक्तियों से कराना हो तो पहले छोटी उम्र के व्यक्ति का नाम लेना चाहिए। कर 18 वर्ष से कम उम्र के किसी लड़की अथवा लड़के का परिचय बड़ी उम्र के व्यक्तियों से कराना हो तो पहले छोटी उम्र के व्यक्ति का नाम लीजिए, जैसे दिस इज सोनिया अरोड़ा, मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज प्रेमनाथ, दिस इज सोनिया अरोड़ा, ये सोनिया अरोड़ा है श्री एंड श्रीमती प्रेमनाथ, दिस इज सोनिया अरोड़ा, सोनिया अरोड़ा की उम्र कम है और ये लोग विवाहित है, तो दिस इज सोनिया अरोड़ा मिस्टर एंड मिसेज प्रेमनाथ, अथवा कहिए दिस इज विकास वर्मा, लड़का है कम उम्र का, दिस इज विकास वर्मा मिस्टर एंड मिसेज सतीश चंद्र सिंह, दिस इज विकास वर्मा मिस्टर एंड मिसेज सतीश चंद्र सिंह, मतलब 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की का परिचय दूसरों से कराना हो तो सबसे पहले कम उम्र के व्यक्ति का नाम लीजिए और बड़े उम्र का उसके बाद में। अब नंबर 4 पर आइए, जब आप किसी
कि नहीं आपस में अपरिचित व्यक्तियों या कम परिचित व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक परिचय कराना चाहे तो कह सकते हैं। जब आप किन्हीं आपस में अपरिचित हो, बिल्कुल अपरिचित या कम परिचित व्यक्तियों का के बीच अनौपचारिक परिचय कराना चाहते हैं तो कहिए, मनोज कुमार हैव यू मेट मिसेज राजकुमारी। मनोज कुमार नाम लीजिए, हैव यू मेट मिसेज राजकुमारी। दूसरा, रॉस बिहारी डू यू नो मिसेज प्रेमलता शर्मा। रॉस बिहारी डू यू नो मिसेज प्रेमलता शर्मा। और सी में मीनाक्षी आई वुड लाइक यू टू मीट अनिल कुमार। अब यहां देख रहे पहले में कहा गया मनोज कुमार हैव यू मेट मिसेज राजकुमारी। मनोज कुमार क्या आप श्रीमती राजकुमारी से कभी मिले हैं? मनोज कुमार हैव यू मेट मिसेज राजकुमारी। मनोज कुमार क्या आप कभी श्रीमती राजकुमारी से मिले हैं? दूसरा, रास बिहारी डू यू नो मिसेस प्रेमलता शर्मा। रास बिहारी जी क्या आप श्रीमती प्रेमलता शर्मा को जानते हैं? और सी में मीनाक्षी आई वुड लाइक यू टू मीट अनिल कुमार। मीनाक्षी मैं तुमको अनिल कुमार से मिलवाना चाहूंगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बातचीत को प्रभावशाली ढंग से दूसरों के पर प्रभाव डालने के लिए ये कुछ तौर तरीके दिए गए हैं जिनका परिपालन करके हम अपने व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा डाल सकते हैं, बशर्ते कि विशेषज्ञों की दी गई राय का हम पालन करें और प्रैक्टिस भी करें, तभी हम सफल होंगे। थैंक यू।